हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में ई टीचर में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए परीक्षा या सहायक सीधी भर्ती की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दोस्तों कितनी जाएगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सीधे ही मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अंत तक बनी रहिएगा और वीडियो अपने कमेंट जरूर करें, लाइक करें और अपनी राय जरूर दें दोस्तों कि आपके कितने प्रतिशत बढ़ रहे हैं। तो मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार की है उसके बारे में आपको बता दूँ कि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है पूरी सर्वे के दौरान मैंने तय की है, बच्चों से अच्छी तरह से राय लेकर तैयार की है। और मैं आपको बताऊंगा कि अगले साल जो हमारी कट ऑफ थी प्रयोगशाला सहायक की वो कितनी रही थी। तो दोस्तों चलते हैं, पहले सबसे पहले अगले साल जो कट ऑफ रही थी 2016 के अंदर उसमें क्या कट ऑफ रहा था। तो ये देखिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र में जनरल की 122 रही थी, SC की 110, ST की 86 नंबर, OBC 115 नंबर रही थी। अगले साल की ये कट ऑफ है। अब मैं आपको आगे TSP की कट ऑफ भी दिखाऊंगा। TSP कट ऑफ में जनरल की 98 रही थी, SC की 93 रही थी और ST की 72 रही थी। तो ये तो दोनों मैंने आपको कट ऑफ दिखाई अगले साल की। अब दोस्तों हम बात करते हैं आज की। आज का जो पेपर हुआ है वो काफ़ी इजी था, ऐसा कह रहे हैं लोग। अब आज की जो कट ऑफ ये रहेगी दोस्तों, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि जो जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 140 तक जा सकती है और OBC की है वो 135 तक, SC की 110 वाला बंदा सेलेक्ट हो सकता है और ST की 105। दोस्तों मैंने ये जो कट ऑफ तैयार की है पूरे सर्वे के आधार पर की है, ये अनुमानित कट ऑफ है, जैसा कि पेपर का लेवल आया गया था उसके अनुसार ही तैयार की है। और आगे भी मैं आपको ऐसे अपडेट देता रहूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आगे के वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करें और आगे हो सके मैं आपको इसकी आंसर की भी उपलब्ध कराऊँगा प्रयोगशाला सहायक की। और तो जो पेपर का लेवल तय किया गया है उसके अनुसार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो तैयार की गई है इस वीडियो में। तो दोस्तों अपने भी आपके जो नंबर आए कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई टीचर।